प्रिय छात्रों, निर्णय अकेडमी के साइंस के जीएस के क्लास में एक बार आपका पुनः स्वागत करता हूं। और अभी हमने डीएनए के विषय में पढ़ा था, साइटोलॉजी का टॉपिक चल रहा था, तो उसमें हमने डीएनए देखा था। अब हम देखेंगे आरएनए। आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए या राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो मैंने बताया था कि डीएनए आरएनए दोनों न्यूक्लिक अम्ल और हिस्टोन प्रोटीन से बने होते हैं। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि डीएनए में जहां पर सुगर डीऑक्सीराइबोस होती है, वहीं पर आरएनए में सुगर रिबोज सुगर होती है। इसके अलावा जो थायमिन बेस होता है, ये पिरिमिडिन बेस, उसमें थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, बाकी कोई चेंज नहीं होता है डीएनए और आरएनए की संरचना में। अक्सर आरएनए का मुख्य कार्य जो है वह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना है। कुछ जो बैक्टीरिया हैं उनमें ये आनुवंशिक पदार्थ के रूप में भी आरएनए कार्य करता है, लेकिन ज्यादातर ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। अब अगर हम बात करें कि आरएनए की, तो आरएनए तीन प्रकार का होता है। ये पहला है मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए या एम आरएनए। हिंदी में इसे बोलेंगे संदेश वाहक आरएनए। संदेश वाहक आरएनए प्रोटीन निर्माण की सूचना देता है कि किस प्रकार की प्रोटीन का निर्माण होना है। तो इसका कार्य क्या होता है, संदेश वाहक आरएनए प्रोटीन निर्माण की सूचना देता है। इसकी मात्रा 5% टू 10% तक होती है। दूसरा जो आरएनए है वो है ट्रांसफर आरएनए या टी आरएनए, या आप कह सकते हो ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए इसको कहते हैं स्थानांतरण आरएनए या ट्रांसफर आरएनए। ये प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल को राइबोसोमल आरएनए तक पहुंचाता है। तो ट्रांसफर आरएनए प्रोटीन निर्माण के लिए प्रोटीनों का चुनाव करेगा मैसेंजर आरएनए, उसकी सूचना देगा और उन कौन सी प्रोटीन का निर्माण होना है और उसके लिए आवश्यक अमीनो अम्ल को जो राइबोसोमल आरएनए है वह राइबोसोमल आरएनए तक ट्रांसफर आरएनए पहुंचाएगा। तो ट्रांसफर आरएनए का काम होता है अमीनो अम्ल को प्रोटीन संश्लेषण के लिए राइबोसोमल आरएनए तक पहुंचाना। इसकी मात्रा ये 10-15% तक होती है। तीसरा है राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए या राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए ये प्रोटीन के निर्माण में, संश्लेषण में सहायता करता है। तो इसकी जो मात्रा होती है ये 75% से 85% तक इसकी मात्रा होती है। तो मैसेंजर आरएनए प्रोटीन निर्माण की सूचना देता है, ट्रांसफर आरएनए प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल को राइबोसोमल आरएनए तक पहुंचाता है। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम के साथ मिलकर के प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है या प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका क्या कहते हैं आरएनए क्या है और काम क्या करता है। ठीक है, ये कितने प्रकार का होता है। आने के बाद हम जो अगली संरचना देखेंगे वो है जीन्स।
अगली संरचना जीन्स है। जीन्स जीन्स की खोज जो हांसन ने 1909 ईस्वी में किया था। तो जीन्स की खोज जो हांसन ने किया था 1909 ईस्वी में। जीन्स क्या है? जीन्स गुणसूत्रों पर पाए जाने वाले आनुवंशिक लक्षणों के वाहक हैं। ये छोटी छोटे संरचना में होते हैं। वास्तव में ये डीएनए के खंड होते हैं। जैसे मान लीजिए डीएनए है, तो डीएनए में एडिनिन, डीएनए में एडिनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, एडिनिन, थायमिन, साइटोसिन, एडिनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, इस तरह से ये जो क्षार हैं, बेस हैं डीएनए में, तो इनका जो तीन तीन का खंड है, ये क्या कहलाएगा? ये एक जीन्स का खंड कहलाता है। तीन, इसे कोडान कहते हैं, ट्रिपलेट कोडान, ट्रिपलेट कोडान। तो ये ट्रिपलेट कोडान जो क्षारों के तीन तीन क्षार, तीन तीन क्षारों के सेगमेंट होते हैं जो डीएनए पर पाए जाते हैं, और ये जीन्स कहलाते हैं। ठीक है, अब एक जीन्स बीडल और टाटम ने, बीडल और टाटम ने एक थ्योरी दिया, वन जीन वन जीन वन एंजाइम, वन जीन वन एंजाइम, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी। ये थ्योरी बताती है कि एक जीन्स एक एंजाइम के निर्माण के लिए जिम्मेदार होता है, यानी प्रत्येक एंजाइम के निर्माण के लिए कोई ना कोई जीन जिम्मेदार होता है। अब जो ये एंजाइम होता है, इसके द्वारा एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जो जीन है, इनसे विशेष प्रकार का एंजाइम बनेगा, और उस विशेष प्रकार के एंजाइम से एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का निर्माण होता है, जो कि किसी न किसी प्रकार के लक्षण को अभिव्यक्त करते हैं। इसे क्या कहते हैं? जीन एक्सप्रेशन, जीन की अभिव्यक्ति, यानी जो लक्षण होते हैं उनका प्रकट होना जीन एक्सप्रेशन या जीन की अभिव्यक्ति कहलाता है। ठीक है, ये तो रहा आपका जीन्स। ठीक, अब देखा जाए तो जीन्स भी जो होते हैं, ये भी जोड़े में होते हैं। जीन्स का जो जोड़ा होता है वो एलील कहलाता है। जीन्स का जोड़ा है एलील कहलाता है। ठीक, एलील क्या है? जीन्स का जोड़ा। अब देखिए, जैसे लंबाई का जीन्स है, तो ये टी है, टॉलनेस, जीन्स ऑफ टॉलनेस। अब अगर ये दोनों जोड़े का दोनों जीन्स हैं, अगर ये दोनों डोमिनेंट हैं, तो इसमें इसको लिखेंगे कैपिटल टी में। अगर इसमें एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है, अप्रभावी है, तो एक को कैपिटल टी में लिखेंगे और एक को जो है स्मॉल टी में लिखेंगे। अगर ये दोनों अप्रभावी हैं, ठीक है, दोनों रेसेसिव हैं, अप्रभावी हैं, तो इसको हम लिखते हैं, दोनों को स्मॉल टी से लिखते हैं। ठीक है, अब अगर दोनों प्रभावी हैं, टॉलनेस का जीन्स, लंबाई का जीन्स, तो जिस लंबाई का जो लक्षण है वो प्रकट हो जाएगा, यानी बच्चा लंबा हो जाएगा। अगर इसमें एक डोमिनेंट एक रेसेसिव है, तो भी बच्चा लंबा हो जाएगा, लेकिन जब दोनों जीन्स रेसेसिव हों, अप्रभावी हों, तो बच्चा फिर लंबा नहीं होता, वो बौना ही रह जाता है। यानी किसी भी लक्षण को प्रकट करने के लिए दोनों में से एक जीन्स का डोमिनेंट होना आवश्यक है, और अगर दोनों जीन्स डोमिनेंट हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर दोनों अप्रभावी हो जाते हैं तो वो लक्षण अभिव्यक्ति नहीं पाता है, वो लक्षण प्रकट नहीं होता है। ठीक, ये तो रहा कि जीन एलील क्या है। अब हम बात करें अगर कि जो जीन है, जीन के भी तीन भाग होते हैं। जीन के तीन भाग होते हैं, एक को बोलते हैं
सिस्टान, दूसरा है म्यूकान, सिस्टान म्यूकान और रेकान, सिस्टान म्यूकान और रेकान। तो जीन्स के तीन भाग हैं, सिस्टान म्यूकान और रेकान। सिस्टान क्या है? सिस्टान जीन की संरचनात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, जीन की संरचना बनाता है। ये जो और प्लस ये जो जिस लक्षण की, जैसे मान लीजिए लंबाई का जीन्स है, तो सिस्टान का काम है उस लक्षण को अभिव्यक्ति देना, यानी उस लक्षण को प्रकट करना। म्यूकान ये उत्परिवर्तन की इकाई है, ये जीन्स की कार्यात्मक इकाई है, कार्यात्मक इकाई है सिस्टान। और म्यूकान जो है उत्परिवर्तन की इकाई है, इसके द्वारा एक नए लक्षण का जन्म हो जाता है किसी भी जीव में। अगर म्यूकान जो है एक नया लक्षण, कोई लंबाई का लक्षण है उसमें कोई नया चेंजेस कर दे। तीसरा है रेकान, यह है पुनर्संयोजन की इकाई, पुनर्संयोजन की इकाई, रिकॉम्बिनेट यूनिट। ठीक है, इससे इसके द्वारा एक जीन्स दूसरे जीन्स से जुड़ता है। पुनर्संयोजन इकाई में क्या होता है, एक जीन्स दूसरे जीन से जुड़ जाता है। ठीक, तो ये तो रहा जीन और उसके भाग, जीन का फंक्शन क्या है। अब अगर हम देखें तो चीजें और भी हम देख सकते हैं। एक है चारगॉफ लॉ, चारगॉफ का नियम चारगॉफ का नियम कहता है कि किसी भी जीव के निश्चित प्रजाति में फास्फेट और शुगर का अनुपात, फास्फेट और शुगर का अनुपात ये नियत होगा, फास्फेट और शुगर का अनुपात नियत होगा, और प्यूरिन, ये एडिनिन और थाइमिन का अनुपात, एडिनिन और थाइमिन का अनुपात, एडिनिन और थाइमिन का अनुपात, ग्वानिन और साइटोसिन का अनुपात जो है ये क्या होगा, ग्वानिन और साइटोसिन का अनुपात किसी जीव में ये बिल्कुल नियत होगा, कॉन्स्टेंट होगा। यानी उस जीव के निश्चित प्रजाति में जो कई जीव होंगे, किसी प्रजाति में लाखों करोड़ों, लेकिन सब लाखों करोड़ों में से किसी भी जीव को लेंगे तो उसका जो फास्फेट शुगर का अनुपात होगा वो कॉन्स्टेंट होगा। अगर उसकी प्रजाति बदल जाएगी तो ये अनुपात भी बदल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एडनिन थायमिन का अनुपात एक प्रजाति के सभी जीवों में सेम होगा, अगर दूसरी प्रजाति आ जाएगी तो एडनिन थायमिन का अनुपात बदल जाएगा, ग्वानिन और साइटोसिन का अनुपात बदल जाएगा। यही नियम क्या कहलाता है, चारगॉफ का नियम कहलाता है। ठीक, एक प्रजाति के सभी जीवों में फास्फेट और शुगर का जो अनुपात है वो समान होगा, एडनिन और थायमिन का अनुपात तथा ग्वानिन और साइटोसिन का अनुपात एक प्रजाति के सभी जीवों में समान होगा, प्रजाति बदलेगी तो यह अनुपात बदल जाएगा। ठीक, यही नियम क्या कहलाता है, चारगॉफ का नियम कहलाता है। अब कुछ पॉइंट्स और हैं इस संदर्भ में जो हमें देखना है। तो इसमें यह देखना है, एक है ट्रांसक्रिप्शन। ये डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया, डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है। ठीक है, डीएनए से आरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है।
दूसरा पॉइंट रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है? आरएनए से, आरएनए से डीएनए बनने की जो क्रिया है, इसका व्युत्क्रम हो गया। आरएनए से डीएनए बनने की जो क्रिया है इसको कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक। तीसरा, अगर डुप्लीकेशन है, डुप्लीकेशन द्विगुणन, डुप्लीकेशन क्या है? डीएनए से डीएनए का बनना, डीएनए से डीएनए का निर्माण, डीएनए से डीएनए का निर्माण क्या कहलाएगा? डुप्लीकेशन कहलाएगा। ठीक है। चौथा है ट्रांसलेशन, अनुवादन, ट्रांसलेशन या इसी को बोलते हैं अनुवादन। आरएनए से, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण ये क्या कहलाएगा? अनुवादन कहलाएगा। ठीक है। तो इसको एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या है? डीएनए से आरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन है, आरएनए से डीएनए का निर्माण रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, डीएनए से डीएनए का निर्माण डुप्लीकेशन है, और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण ट्रांसलेशन है। तो आरएनए से प्रोटीन का निर्माण क्या कहलाएगा? ट्रांसलेशन कहलाएगा। तो ये पॉइंट्स रहा आपका जो है साइटोलॉजी के संदर्भ में जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। अच्छा, एक पॉइंट आता है कि यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल पे थोड़ी सी चर्चा इसकी भी कर लिया जाए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला टॉपिक हिस्टोलॉजी पर। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक प्लस यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक प्लस यूकैरियोटिक सेल। देखिए, कैरियन मींस होता है केंद्रक, कैरियन मींस केंद्रक। प्रोकैरियोटिक जिसमें साधारण प्रकार का केंद्रक होता है, जैसे ये केंद्र, ये एक सेल है, तो सेल में ये आपका न्यूक्लियर रेटिकुलम है, न्यूक्लियर रेटिकुलम है। इस न्यूक्लियर रेटिकुलम यानी न्यूक्लियस के चारों ओर एक केंद्रक भित्ति है, न्यूक्लियर वॉल है, केंद्रक भित्ति है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें केंद्रक भित्ति नहीं पाई जाती, यानी जो डीएनए आरएनए है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में रखा होता है। डीएनए आरएनए कहाँ रखा होता है? साइटोप्लाज्म में यूं ही रखा होता है। यू मतलब होता है सच्चा, यूकैरियोटिक मींस होता है सच्चा केंद्रक, सच्चा केंद्रक। इसका मतलब है कि इसमें डीएनए या आरएनए, डीएनए या आरएनए वो उस केंद्रक भित्त के भीतर बंद होता है। तो एक तो अंतर ये हो गया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सच्चा केंद्रक नहीं पाया जाता, इसमें जो डीएनए हो या आरएनए हो यह कोशिका द्रव्य में साइटोप्लाज्म में एक किनारे पड़ा रहता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें केंद्रक भित्त पाई जाती है और उसके अंदर डीएनए या आरएनए केंद्रक के भित्त के भीतर स्थित होता है, यानी सच्चा केंद्रक उसमें मिलता है। दूसरा चीज है कि प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने बताया था कि इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है, इसमें 80S राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है। और जो अन्य कोशिकांग हैं वो इसमें मिलते हैं, सारे कोशिकांग इसमें नहीं मिलते हैं, प्लस ये जो कुछ कोशिकीय जीव हैं जैसे PPLO वगैरह है तो प्रोकैरियोटिक सेल उसमें मिलते हैं, यूकैरियोटिक आप प्रोटोजोआ फाइलम से प्राप्त होने लगते हैं। तो ये था आपका जो है टॉपिक साइटोलॉजी का। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो है हिस्टोलॉजी या ऊतकी। जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग एक क्रम से चलेंगे, तो हमारा ये पहला टॉपिक खत्म हुआ साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान। अगला हमारा टॉपिक है हिस्टोलॉजी या ऊतकी, हिस्टोलॉजी या हिस्टोलॉजी। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को देखें। तो हिस्टोलॉजी की परिभाषा क्या है? जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम
ऊतकों का अध्ययन करते हैं, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं हिस्टोलॉजी कहलाती है। अब बात आती है कि फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ ऊतकी का पिता, ऊतकी का पिता, तो फादर ऑफ हिस्टोलॉजी हैं मार्शेलो, मार्शेलो मेलपिगी, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी मार्शेलो मेलपिगी हैं। दूसरा चीज देखा जाए तो ये आता है कि जो जो ऊतकी है यानी हिस्टोलॉजी है, तो नाम हिस्टोलॉजी किसने दिया, तो नाम हिस्टोलॉजी नाम ये दिया है मायर ने। तो हिस्टोलॉजी नाम किसने दिया, मायर ने दिया, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी मार्सिलो मेलपिगी। अब ये आपने देखा कि जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत हम ऊतकों का अध्ययन करते हैं ऊतकी कहलाता है या हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो अब हमें दूसरा चीज हो गया कि ऊतक क्या है, टिश्यू की परिभाषा क्या होगी, ऊतक की परिभाषा क्या होगी, तो ऊतकों की परिभाषा, तो कोशिकाओं का समूह, ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ग्रुप ऑफ सेल, कोशिकाओं का समूह, ग्रुप ऑफ सेल विच आर सेम इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर फंक्शन एंड ओरिजिन। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार शॉर्टकट में फिर से कर ली जाती है परिभाषा के संदर्भ में। तो कोशिकाओं का समूह जो उत्पत्ति रचना और कार्य में समान हो ऊतक कहलाता है, कोशिकाओं का समूह जो उत्पत्ति रचना और कार्य में समान हो ऊतक कहलाता है। अब नाम ये बात आती है कि टिशू नाम किसने दिया, तो टिशू नाम दिया है विंचट ने, टिशू नाम किसने दिया है, विंचट ने दिया है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि जो टिश्यू होते हैं वो प्लांट में भी मिलते हैं, एनिमल में भी मिलते हैं, लेकिन हम लोग अब चलेंगे जो है टिश्यू की तरफ, जूलॉजी की तरफ, तो इसलिए हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे, जंतु ऊतक पढ़ेंगे। जब हम लोग बॉटनी शुरू करेंगे तो प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे, जिसमें आपने जाइलम फ्लोएम वगैरह का नाम सुना होगा, पैरेन्काइमा, ठीक है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू, तो ये सारी चीजें प्लांट टिश्यू में होंगी। उसको जब हम बॉटनी शुरू करेंगे तो वहां देखेंगे, अभी हम लोग जूलॉजी शुरू करना है तो हमको एनिमल टिश्यू पढ़ना है, तो हम हेडिंग डालेंगे एनिमल टिश्यू, क्या पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक। तो हम लोग देखेंगे जंतु ऊतक, एनिमल टिश्यू, जंतु ऊतक या एनिमल टिश्यू देखेंगे। ठीक है, तो अब देखा जाए जंतु ऊतक कितने प्रकार का है, तो जंतु ऊतक चार प्रकार के हैं, एक है एपिथीलियम ऊतक, एपिथीलियम ऊतक, दूसरा है संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक, तीसरा है पेशीय ऊतक, पेशीय ऊतक, मस्कुलर टिश्यू, और चौथा है तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू, तंत्रिका ऊतक या नर्वस टिश्यू। तो जंतु ऊतक चार प्रकार के हैं, एपिथीलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, एपिथीलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। अब हम इसमें से एक एक टिश्यू को लेकर के चलेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे एपिथीलियम टिश्यू, एपिथीलियम टिश्यू,
एपिथेलियम टिश्यू की जब बात आती है तो एपिथेलियम ऊतक, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। एपिथेलियम ऊतक की जो दीवारें हैं ये पतली होती हैं, यानी प्लाज्मा झिल्ली केवल इसमें है, और एपिथेलियम ऊतक शरीर के भीतरी एवं बाहरी अंगों पर एक रक्षात्मक आवरण बनाती है। जैसे बाहर का अस्तर है तो इस पे, या भीतर का कोई नली है तो उसके नली के भीतरी, और जैसे ये नली है, ये खोखला भाग है, तो अंदर भी और बाहर भी क्या रहेगा, एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू के नीचे जो है वो संयोजी ऊतक होता है। तो एपिथेलियम ऊतक को अगर हम देखें तो एपिथेलियम ऊतक दो प्रकार का होता है, सरल एपिथेलियम ऊतक, सरल एपिथेलियम ऊतक, और दूसरा है सरल एपिथेलियम ऊतक, और दूसरा है संयुक्त एपिथेलियम ऊतक, संयुक्त एपिथेलियम ऊतक। दोनों में डिफरेंस क्या है? सरल एपिथेलियम ऊतक ये एक झिल्ली के ऊपर स्थित होता है, इस झिल्ली को बोलते हैं आधारी झिल्ली या बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक, तो ये एक झिल्ली के ऊपर स्थित होगा, इस झिल्ली को बोलेंगे आधारी झिल्ली या बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये सरल एपिथेलियम ऊतक है, इसकी कोशिका ये हेक्सागोनल है, इसका आकार अलग अलग हो सकता है, ये स्तंभाकार हो सकती हैं, घनाकार हो सकती हैं। ठीक है, तो जैसा इसका आकार होगा नाम उस आकार के अनुसार इसका बदल जाएगा। ठीक है, तो जैसा इसका आकार होगा वैसा इसका नाम। तो ये सरल एपिथेलियम ऊतक एक झिल्ली के ऊपर स्थित है, इस झिल्ली का नाम है आधारी झिल्ली, या इसको बोलेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक, अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर पाई जा रही है आपकी सरल एपिथेलियम ऊतक, ये एक स्तर का बना हुआ है। अब संयुक्त एपिथेलियम और सरल एपिथेलियम ऊतक में अंतर क्या है कि एक बहुस्तरीय होती है। ठीक है, ये बहुस्तरीय होगा, तो सरल एपिथेलियम ऊतक इसकी कोशिकाएं एक स्तर के, एक लेयर की बनी है, सिंगल लेयर की बनी है, और आधारी झिल्ली पर स्थित हैं। संयुक्त एपिथेलियम ऊतक की कोशिकाएं एक से अधिक लेयर की बनी होंगी। ठीक है, ये मैंने तीन दिखाया है, ज्यादा सी लेयर भी हो सकते हैं। ये भी एक झिल्ली पर स्थित होगा, ये भी आधारी झिल्ली पर ही स्थित होता है। ठीक है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन पर यह भी स्थित है, चाहे सरल एपिथेलियम ऊतक हो चाहे संयुक्त एपिथेलियम ऊतक हो। अब देखिए यहां पर जो संयुक्त एपिथेलियम ऊतक है चाहे तो या सरल एपिथेलियम ऊतक, इसके नीचे जो है संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक होता है, इसके नीचे संयोजी ऊतक है। और सरल एपिथेलियम ऊतक में तंत्रिकाएं, नर्व्स
तथा रुधिर वाहिनियां नहीं पाई जाती। अब आप कह सकते हैं कि अगर इसमें रुधिर वाहिनी नहीं है तो फिर ये कोशिकाओं के लिए ऑक्सीजन तथा ग्लूकोज कैसे मिलता है, इनकी अपनी ऊर्जा की आवश्यकताएं कैसे पूर्ति होती है, कैसे ये जीवित रह रही है। तो जो आधारी झिल्ली है उसके नीचे जो संयोजी ऊतक है, इस संयोजी ऊतक में तंत्रिकाएं तथा रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। अब यहीं से जो रुधिर है वो विसरण की क्रिया द्वारा, परासरण की क्रिया द्वारा ग्लूकोज है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वो आधारी झिल्ली से होते हुए इन कोशिकाओं तक पहुंचता है। ठीक है, तो ये रहा कि एपिथीलियम ऊतक दो प्रकार का है, सरल एपिथीलियम ऊतक और संयुक्त एपिथीलियम ऊतक। अब जब बात करेंगे सरल एपिथीलियम ऊतक तो इसके भी कई प्रकार हो जाते हैं, जैसे इसमें एक है सल्की एपिथीलियम ऊतक या स्क्वामस एपिथीलियम ऊतक, सल्की एपिथीलियम ऊतक। तो सल्की एपिथीलियम ऊतक, इसकी कोशिकाएं हेक्सागोनल होती हैं, षटकोणीय होती हैं और ये फर्श पर लगे टाइल्स की तरह दिखाई देती हैं। यह रुधिर वाहिनियों की भीतरी एवं बाहरी दीवारों पर पाई जाती हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम दूसरा देखें तो दूसरा है आपका, पहला आपका कैसा है सल्की या स्क्वामस, दूसरा है घनाकार एपिथीलियम ऊतक। ठीक है, घनाकार एपिथीलियम ऊतक या क्यूब मीन्स होता है घन, तो क्यूबॉइडल एपिथीलियम टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथीलियम टिश्यू। तो इसकी कोशिकाएं बहुकोणीय होती हैं, पॉलीगोनल होती हैं, लेकिन जब अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो इसमें इसकी कोशिकाएं घनाकार यानी घन के आकार की दिखाई देती हैं। यह जो घनाकार एपिथीलियम ऊतक है यह थायराइड ग्रंथ, जनन ग्रंथि आदि में पाया जाता है। ठीक है, तीसरा है अस्तंभाकार या एपिथीलियम ऊतक, अस्तंभाकार एपिथीलियम ऊतक। तो अस्तंभाकार या कॉलमनर एपिथीलियम टिश्यू, इसकी कोशिकाएं अस्तंभाकार होती हैं। इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं, अस्तंभाकार होती हैं, इस तरह से होती हैं, ऐसे अस्तंभ की तरह होती हैं। ठीक है, तो इसकी कोशिकाएं अस्तंभाकार होती हैं, किसकी, अस्तंभाकार कॉलमनर एपिथीलियम। केवल आकार के आधार पर ये एपिथीलियम, सरल एपिथीलियम टिश्यू का जो डिफरेंस है वो बताया जा रहा है। तो ये कहाँ पाई जाती हैं, ये आंत, आमाशय और पित्ताशय में पाई जाती हैं। ठीक है, चौथा जो भेद है या चौथा जो प्रकार है इसका, वो चौथा प्रकार क्या है, तो चौथा है चौथा यह रोमाभि एपिथीलियम ऊतक, रोमाभि एपिथीलियम ऊतक या इसे कहेंगे सीलिएटेड एपिथीलियम टिश्यू। यानी इसका जो स्वतंत्र सिरा है इस पर रोम या सीलिया लगे होते हैं। क्या लगा होता है, रोम या सीलिया लगे होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये रोम है तो ये रोम भीतरी दीवार में, अगर जैसे किसी नली के भीतर ये कोशिकाएं हैं, ये ऊतक है, तो पूरी नली में एक बाल, जैसे नाक में अंदर की तरफ बाल बहुत होते हैं, ऐसे ये सीलिया निकले होंगे और ये ऐसे ऐसे मूव करते हैं, तो इसका परिणाम क्या होता है कि जो म्यूकस है वो आगे की ओर बढ़ता है, या अंडे हैं तो वो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये श्वास नली में तथा अंडवाहिनी में पाया जाता है, जो अंडे को आगे बढ़ने के लिए सीलिया प्रेरित करता है। ठीक है, अब पांचवा है, यह है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड
फाइट, ठीक है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो मतलब होता है मिथ्या, झूठा, या आप कह सकते हैं आभासी अस्तरित एपिथीलियम ऊतक, आभासी अस्तरित एपिथीलियम ऊतक। तो आभासी अस्तरित का तात्पर्य क्या है कि इसमें है एक ही आधारी झिल्ली पर स्थित है, एक बड़ी कोशिका है और उसके बाद एक छोटी कोशिका, एक बड़ी कोशिका है उसके बाद एक छोटी कोशिका, एक बड़ी कोशिका और फिर एक छोटी कोशिका। तो अब अगर इसको आप देखें तो आपको लगता है कि ये दो स्तर की बनी हुई है, एक ये स्तर है और दूसरा ये, जबकि ऐसा नहीं है, एक ही आधारी झिल्ली पर दोनों स्थित हैं, एक छोटी और एक बड़ी कोशिका इस तरह से मैनेज है, इस तरह से रखी हुई है या लगी हुई है कि देखने में दो स्तर की लगती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, आभासी अस्तरित एपिथीलियम ऊतक कहते हैं। ये जो छोटी कोशिका है इसको बोलते हैं गॉबलेट सेल या म्यूकस कोशिका, गॉबलेट सेल या म्यूकस कोशिका या श्लेष्म कोशिका, म्यूकस कोशिका या श्लेष्म कोशिका। श्लेष्म कोशिका, श्लेष्म कोशिका से म्यूकस यानी लसलसार द्रव निकलता है और ये ब्रांकस जो बड़ी श्वसनिकाएं हैं फेफड़े से निकली हैं उसमें पाया जाता है। इस ये क्या करती हैं, ये श्वास नली को वायु के घर्षण से बचाती हैं, ठीक है। तो आभासीय अस्तरित एपिथीलियम कहाँ पाए जा रहे हैं, बड़ी श्वसनिकाओं में पाया जाता है, ब्रांकस में पाया जाता है। ब्रांकस क्या है, जब मैं आपको श्वसन तंत्र पढ़ाऊंगा तो उसमें उसका चित्र बना करके आपको वहां पर दिखाऊंगा, ठीक है। ये तो यहां पर आपने देखा, अब अगला हम देखें तो सरल एपिथीलियम ऊतक ने आपने पांच प्रकार देखे, सल्की एपिथीलियम ऊतक देखा, घनाकार एपिथीलियम ऊतक देखा, स्तंभाकार एपिथीलियम ऊतक देखा, रोमाभि एपिथीलियम ऊतक देखा और फिर पांचवा क्या है, ये आभासी अस्तरित या स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम टिश्यू देखा। इसी में एक छठा जो भेद है उसको भी हम देख लेते हैं, छठा भेद है ग्रंथिल एपिथीलियम ऊतक, ग्लैंडुलर ग्रंथिल एपिथीलियम ऊतक। तो ग्रंथिल एपिथीलियम ऊतक, ये जैसे कि नाम ही है ग्रंथिल, ग्रंथि, तो ये कुछ रसों का श्रावण करती हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो जैसे लार ग्रंथि है, विष ग्रंथि है, ठीक है, स्वेद ग्रंथि है जो पसीना से निकलता है, सीबेसियस ग्लैंड, तेल ग्रंथियां हैं जो तेल हो गया शरीर से, जैसे ये नाक से या शरीर से निकलता है तैलीय पदार्थ, तो आपने देखा गर्मियों में, तो तैल ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, स्वेद मींस होता है पसीना, स्वेट ग्लैंड, और विष ग्रंथि, लार ग्रंथि, ये सब कैसी हैं, ग्रंथिल एपिथीलियम ऊतक हैं। तो एपिथीलियम ऊतक का जो सरल एपिथीलियम ऊतक है इसके आपने छह भाग देख लिए हैं, सल्की एपिथीलियम ऊतक, घनाकार एपिथीलियम ऊतक, स्तंभाकार एपिथीलियम ऊतक, रोमाभि एपिथीलियम ऊतक और आभासीय अस्तरित या स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम ऊतक तथा ग्रंथिल या ग्लैंडुलर एपिथीलियम टिश्यू। अब हम देखेंगे जो एपिथीलियम ऊतक का दूसरा भाग है वो क्या है, संयुक्त एपिथीलियम टिश्यू या कंपाउंड एपिथीलियम टिश्यू, ठीक है। तो संयुक्त एपिथीलियम ऊतक, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि संयुक्त एपिथीलियम ऊतक बहुस्तरीय होता है और ये भी आधारी झिल्ली पर स्थित होता है, उस सरल एपिथीलियम ऊतक भी आधारी झिल्ली पर स्थित होता है। लेकिन जो संयुक्त एपिथीलियम ऊतक है, इस जो पहली लेयर जो आधारी झिल्ली पर स्थित होती है इसको बोलते हैं जनन स्तर, इसको क्या कहते हैं, जनन स्तर, या इसे कहेंगे जर्मिनल, जर्मिनल लेयर, ठीक है। क्या कहेंगे,
जनन अस्तर। जनन अस्तर की कोशिकाएं, ये जो जनन अस्तर की कोशिका, ये विभाजन करती रहती है और नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, तो पुरानी कोशिका ऊपर की ओर जाती रहती है। सबसे बाहर पहुंच करके ये कोशिका कभी कभी क्या होती है, फ्लैट एंड डेड हो जाती है, चपटी होकर के मृत हो जाती है। तो जब ये चपटी होकर मृत हो जाती है तो कभी कभी इसमें एक प्रोटीन जमा हो जाता है, कीरैटिन। क्या जमा हो जाता है? कीरैटिन। तो इसको बोलते हैं कीरैटिनाइजेशन, कीरैटिनाइजेशन। अब अगर कीरैटिन जमा हो जाएगी तो कीरैटिन प्रोटीन आप जानते हैं नाखून में मिलता है, बाल में मिलता है, ये जल आदि के लिए अपारगम होता है, जल वगैरह इसके आर पार नहीं जा सकता, ठीक है। तो जो संयुक्त एपिथेलियम ऊतक है, यह त्वचा के उपचर्म, उपचर्म का मतलब है इपिडर्मिस, बाहरी भाग में, ठीक है, त्वचा के उपचर्म, मूत्राशय, मलाशय, क्या कहते हैं, मूत्राशय, मलाशय आदि में पाया जाता है, ठीक। अब आंख की कार्निया पर भी मिलता है, किस पर मिलता है, आंख की कार्निया पर। कभी कभी जब इसमें कीरैटिन का जमाव हो जाता है तो ये कार्निया की पारदर्शिता समाप्त हो जाती है, आप कहते हैं मोतिया बिंद हो गया, ठीक। तो यही कीरैटिन प्रोटीन उसमें जमा हो जाता है, आजकल उसका ऑपरेशन होता है फेको पावर विधि से, जापानी विधि है, पहले तो ऑपरेशन जो है हाथ से किया जाता था, मशीनों से किया जाता है फिलहाल। तो ये आपका रहा एपिथीलियम टिश्यू। जो अगला टिश्यू है तो एपिथीलियम, एपिथीलियम ऊतक आपने देखा, इसके दो भाग आपने देखे, पहला भाग आपने देखा क्या कहते हैं सरल एपिथीलियम ऊतक और दूसरा संयुक्त एपिथीलियम ऊतक। अब जो दूसरा ऊतक है वो है संयोजी ऊतक। दूसरा ऊतक क्या है? संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू। तो संयोजी ऊतक को हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है।